हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स ब्लशनाज। मैं हूं नाजिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूं ब्लू हेवन कलर काजल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दो काजल है मेरे पास। ये कल ही मैंने मार्केट से परचेस किया है, तो मैंने सोचा इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये ब्लू हेवन का कलर काजल है, एक मेरे पास ग्रीन है और एक मेरे पास ब्लू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाला ओपन करूंगी। आप देख पा रहे होंगे इस पे मेंशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, ये 125, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इसकी। नेट कंटेंट इस पे 0.31 ग्राम है और इस पे इंग्रेडिएंट्स तो मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। इसको एज अ लाइनर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आज ही आपको खोल के और अप्लाई करके बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा है। चलिए तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको कि है कैसा। इस काजल को मैं एज अ लाइनर अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका, आई लव इट। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, आप भी इसे ट्राई करके देखें। अब हम ब्लू वाला काजल ओपन करते हैं। इसको मैं एज अ काजल अप्लाई करूंगी क्योंकि ग्रीन वाला मैंने लाइनर के तौर पे यूज किया है, तो इसको मैं काजल की तरह यूज करके दिखाऊंगी आपको। इसकी भी पैकेजिंग ओपन कर लेती हूँ। तो इसको मैं एज अ काजल अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। वाओ, आई लव इट, बहुत ही अमेजिंग काजल है। फ्रेंड्स, ये दोनों काजल बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अफोर्डेबल भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एज अ लाइनर अप्लाई करना नहीं आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पे मुझे बताएं कि आपको ये अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और आपको उस पर बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।